Thank you, everyone. Thank you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak, everyone. Thank you. Silent, guys. Assalamu alaikum, and thank you, everyone, for being here. Sorry. Eid Mubarak. Eid Mubarak to everybody. Thank you so much. And sorry, हम अमूमन घर में रखते हैं, लेकिन वो बारिश हो गई तो सब घास में सब कीचड़ वीचड़ है, तो आपकी सब सुंदर ड्रेसेस ख़राब हो जाती हैं लड़कियों की, तो इसलिए यहाँ पे आज हमने खाना रखा है। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए, और आज के दिन भी, हर दिन भी, हमेशा के लिए आप लोगों को बहुत खुशहाली मिले, एंड यू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। कितनी खास है ये वाली 2017 की? एक्चुअली यार, हर मौका, चाहे दिवाली हो, ईद हो, जो भी हो, साथ में मिलने का जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो घर में सिर्फ दुआ करते हैं और ऐसे कपड़े पहनाता हूँ। पहली बार मेरे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और आखिरी बारी उस दिन बाद में नहीं पहनते। बट हैविंग सेड दैट, ऑल्सो आई बीन वर्किंग फॉर 25 ईयर्स, सो इट्स इवन मोर स्पेशल दैट आज के दिन सब कुछ है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वर्किंग। शाहरुख, बॉलीवुड में 25 साल हो गए, आपको क्या कहना चाहेंगे, इसलिए भी ये ईद खास होने वाली है आपके लिए? I think मुझे कल मालूम, परसों मालूम पड़ा कि 25 साल हो गए। मुझे अभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं मालूम है किस हिसाब से 25 साल हुए। मुझे ऐसा लगता है 26 या 27 हो गए, बट इट फील्स वेरी गुड यार। आधी ज़िंदगी निकल गई। आई विल बी 52 दिस ईयर, सो हाफ माई एज इज़ गॉन। मैं ये सर्विस कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ, और अपने लिए भी की मैंने बहुत, अपने लिए भी बहुत नाम कमाया, खुशी कमाई, और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहूँ कि लोग उस काम से खुश हों। सो 25 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम यार। I was sitting with my family the other day and I was discussing, and that's half my lifetime. So it's a lot of good wishes and I can only thank people. Sirf main shukr guzar ho sakta hu sabka ki itne saalon tak mujhko bear kiya hai, aur itne pyar se bear kiya hai, aur itni khushi se bear kiya hai. So thank you everyone, and I'm really really grateful. Thank you to you also, Shahrukh, because you remember every year aap hame hamesha yaad karte media ko, in fact like Eid ke din aur we are also very eager every time. Yaar mujhe samajh nahi aata, amuman घर में अगर हम ईद का कोई फंक्शन रखें या दिवाली का रखें तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती, फिर वो सारा दिन जो है, रात भर उसमें काम लग जाता है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप लोगों से सबसे ज़्यादा मिलता हूँ। सो ईद के मौके पर या हर मौके पर ऐसा कहा जाता है कि जिनके साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती हो उसको मिलो तो बेहतर है। सो इट्स वेरी नाइस टू मीट ऑल ऑफ़ यू। एंड वन लिटिल रिक्वेस्ट यार, वो जब फोटोग्राफर्स हैं ना अपने, यार वो बच्चों की तस्वीर लो, थोड़ा प्यार से लो यार, एक दो फोटो लेके छोड़ दिया करो उनको यार, प्लीज। हाँ यार, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई डोंट नो इफ आई वुड एवर हैव अ, यू नो, नॉर्मली ऑन अ वीकेंड और समथिंग व्हेन माय सन टेल्स मी पीपल्स हैव कलेक्टेड, बच्चा लोग सब कम, तो मैं बाहर जाके वेव करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे मालूम पड़ता है अभी सोशल मीडिया के थ्रू कि लोग जो हैं अलग अलग शहरों से आते हैं जस्ट टू विश मी, एंड आई वांट टू थैंक देम ऑल। मुझको बिकॉज वो ऑर्गेनाइज नहीं है, सबसे मिला नहीं जाता, बट आई एम रियली टच्ड बाय कि इतने लोग हर सालों से घर के बाहर आते हैं। ऑफकोर्स मुझे माफ़ी भी मांगनी चाहिए नेबर्स से, और ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो मुझे मालूम है गुस्सा हो जाते हैं लोग, बड़ा हॉर्न वॉर्न बजाते हैं गाड़ी का। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई विश आप लोग दुआ करें कि मेरे घर में गार्डन इतना बड़ा हो जाए कि सबको अंदर समा सकूँ। कुछ तो समझता है, मुझे ही नहीं पता क्या समझता है। उसको लगता होगा यार लोग तो पैसे मांगने आ रहे हैं वापस। मैं एक्चुअली, मेरे पास ना एक टॉय रूम है अब्राम का, जिसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, हंड्रेड्स ऑफ टॉयज़। तो मैं हर, एक्चुअली उसके लिए हर दिन ईद होती है यार। मैं हर रोज़ को एक नया टॉय निकाल के उसको देता हूँ विद माय डॉटर एंड सन। फॉर्चुनेटली इस साल वो यहाँ पर हैं, दोनों आए हुए हैं स्कूल से, सो आई थिंक वील जस्ट सिट टुगेदर एंड चैट, एंड मैं कोशिश करूंगा उनके लिए खाना बनाऊँ आज। अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा, अगर वक्त मिलेगा तो खाना बनाता हूँ उनके लिए। तो आपने कोई स्पेशल मेन्यू डिसाइड किया? नहीं, मुझे पास्ता ही बनाना आता है थोड़ा सा, बस इटालियन, ज़्यादा चीज़ें आती नहीं मुझे। मेरा मेन्यू एक दो चीज़ें ही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अगर बन गई तो। एक बार बनाया था मैंने घर में अभी रिसेंटली, अभी मैंने पूरा कभी बनाया नहीं है ऐसे। एक बार बनाया था तो मेरी बेटी ने कहा ठीक ठाक बन गया, तो अभी सेकंड टाइम बनाऊंगा।
फिर यू वेरी क्लोज टू योर डैड मॉम एक्चुअली, और कुछ यादें आपने कई बार शेयर भी की है एक्चुअली डैड के साथ, यू यूज्ड टू गो फॉर प्रेयर. सो कभी ऐसी कुछ चीज जो आप इब्राहिम के लिए यू नो लाइक यू जस्ट ट्राइंग टू फॉलो योर डैड एंड वही चीज आगे यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. आई थिंक आई ट्रूली बिलीव जितनी भी हाउ डू यू से ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन होते हैं, बड़ा पर्सनल मामला है. आई थिंक चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एवरीबडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स. हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दिया. सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज़ रिफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे. एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन. सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम. तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है. कभी रात को बैठ के मैं, अभी रिसेंटली मैं पिछले डेढ़ साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट. तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम. सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ. बट आई टेल देम माई स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड एंजॉय द फैक्ट दैट देयर ट्रेडिशंस एंड ब्यूटी देयर व्हिच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड लव्ड. आपने बताया कि महाभारत आप पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में सवाल है कि कोई कैरेक्टर जो आप निभाना चाहते हैं या महाभारत के? नहीं यार, अभी तो उसके तो 18 वॉल्यूम्स हैं कुछ यार, अभी तो पढ़ना शुरू किया, बहुत ज़्यादा है वो, थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज बाय द टाइम यू रीच द सेकेंड चैप्टर ऑफ वॉल्यूम पहले वाले नाम सब भूल जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, तो मुझे लिखने पड़ते हैं. आई थिंक ईच वन ऑफ देम स्टोरीज बहुत अच्छी हैं. आई थिंक कैरेक्टर्स आर मेड बाय द स्टोरी एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड. सो बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. अभी आई एम सॉरी, आई एम रीडिंग इट इन इंग्लिश. सो आई जस्ट फिनिश द फर्स्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट. जब यज्ञ वगैरह शुरू होता है तो द प्रीक्वल टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी टेलिंग, यू नो, जब असुरास के अगेंस्ट जो यज्ञ शुरू हुआ. जैसा मैं आपको समझाया उसके मिनी ट्रेल्स हैं यार, तो ये आज का दिन फिल्म का नहीं है तो मैं फिल्म की बात नहीं करना चाहता. बट उसके मिनी ट्रेल्स हैं, छोटे छोटे हम एपिसोड्स लाते रहेंगे और गाने लाते रहेंगे. तो आई थिंक इंशाल्लाह भी आई थिंक दो चार दिन में अगला वाला आने वाला है. आई थिंक वी हैव केप्ट अ पीरियड ऑफ 10 days या 7 days, मुझे पूरा एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट उसकी फिक्स डेट्स है अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट एंड सोशल मीडिया. सो आई थिंक अगला वाला भी दो चार दिन में आने वाला. मैं तो यार 18 से छोटा हूँ तो वोट नहीं कर सकता. यार ये महकमे हैं, आई थिंक जो भी बोर्ड्स हैं हमको बता देंगे, वो डायरेक्टिव दे देंगे जब फिल्म आएगी. अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है. तो आई होप जब फिल्म वो पूरी देखेंगे, आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट नीड टू से दिस बट इम्तियाज अली, माई सेल्फ, अनुष्का, रेड चिलीज, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस फिल्म में, प्रीतम, राइटर्स, इशाद कामिल साहब, आई थिंक हमने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात फैमिलीज़ के लिए या कोई ऐसी बदतमीजी करने की हमें ज़रूरत नहीं अपनी फिल्मों में उनको चलाने के लिए. सो होपफुली एवरीबडी विल सी इट व्हेन द फिल्म इज़, अभी तो सेंसर के लिए गई नहीं, जब वो पूरी फिल्म को देखेंगे मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें उनको ठीक नहीं लग रही, और अगर नहीं लग रही तो हम उसको चेंज कर देंगे. बट आई थिंक जब पूरा फिल्म देखेंगे सो दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड. हाँ यार, मुझे बहुत अच्छी लगी यार, मैंने एक्चुअली डेढ़ बार देखी. मैंने डेढ़ बार देखी फिल्म. मैंने पहला पूरी फिल्म देखी, फिर उसके बाद अगेन द फर्स्ट हाफ आई सॉ इट एट 4 in the morning. मुझे बहुत अच्छी लगी. सलमान प्रेज़ यू अ लॉट, यू जस्ट सेड ऑन वन कॉल एक्चुअली यू एग्री टू डू द रोल एक्चुअली, लाइक वाज थैंक यू फॉर इट. कोई मना ही नहीं कर सकता, कौन मना कर सकता उसको, किसकी हिम्मत है. थैंक यू वेरी मच. मैं, मेरे दोस्त हैं सब, कबीर, सलमान, एक्चुअली उस टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मैं बहुत पुराना पहले से जानता हूँ, एक्चुअली फिल्मों से पहले से जानता हूँ, कबीर, उनकी वाइफ, उन सबको. सो वो मेरा आई थिंक इट वॉज माई ड्यूटी टू डू दैट एंड आई एम हैप्पी कि मैंने ठीक ठाक किया, क्योंकि एक सीन के लिए फिल्म में आओ जैसे ए दिल है मुश्किल या ट्यूबलाइट में, तो इतना कहानी वगैरह का इल्म नहीं होता. बट आई थिंक
मैंने भी देखा अपने आप को, तो मैं ठीक ठाक किया तो मुझे खुशी है कि ठीक ठाक हो गया। मैंने जैसे कहा कबीर बहुत पुराने दोस्त हैं यार, मैंने उनकी हाँ स्कूल में जो वो प्लेस करते थे हाँ इंशाल्लाह यार, मतलब ये सब दोस्त हैं, हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं, सालों से सुनते हैं उनके साथ, और जब भी कोई चीज़ ऐसी लगेगी जो हम साथ मिलके कर सकते हैं तो 100%। अभी कोई ऐसी ऑन द एनविल कोई चीज़ नहीं। I've said this very often, yaar. I mean, to go out publicly does not mean you want to be an actor. You go out publicly does not mean you want to be an actor, or maybe you want to. But the point is very clear. I mean, you know, like I said, I requested everybody, and I say it with love. I understand it's a job. They're not movie stars. They just happen to be a movie star's children. And I think they're very respectful and they're very decent. When they come out with me, I make sure that they stand and do a picture, because I know it's meant to be important. I don't know how, but it is meant to be important. So I request everybody that, you know, maybe if you see them publicly, two things don't assume. One, that they're movie stars, so they'll be able to handle media like I do. You know, if you come even in hundreds, I know I can, you're my friends, I can tell you, thoda pichhe jao yaar, they get awkward. And secondly, just because they come out publicly does not mean they want to be actors. As a matter of fact, jo school hai, maine suna hai, jab log actor banna chahte hain to publicly nahi aate ki koi dekhe na unko camera pe na, seedha film ke andar aaye. So no, my children will finish their studies. Mere ghar mein minimum qualification hai graduate hone ki, warna mere ghar ke andar entry nahi milti. So they have to finish the college. Suvanna is still in 11th, she has 4 or 5 years of studies left. Aryan has about 4 years. And like I've said, if they want to be actors, Suvanna wants to, then she will study to be an actor. And so there's a long, long way to go here. Just because she comes out publicly does not mean that we are taking her out in public, so duniya usko dekhke heroine bana deno. I'm an outsider. I came from Delhi. I never came out publicly. I just came in films. I hope my children do that once they are educated enough to do it. Shahrukh, how will you inspire yourself from last 25 years? Actually, people inspire me here. Like say today's little thing ki ghar ke bahar itne log, itni you know, film actors jab itne saal se kaam karte hain to unka jo role hota hai, I think becomes a little bigger than just being actors. Log apni hopes, apni aspirations, apni zindagi ki cheeze India mein specially actors ke sath laga dete hain, jo shayad sahi nahi hai. Ye nahi hai ki hum sabse acche log hain. But you start feeling that people love you for other reasons than just being an actor. तो वो जो love है वो unexpected है यार, वो मैं कभी सोचा नहीं कितना मिलेगा. कहीं पर भी चले जाओ दुनिया के, हम अभी यूरोप में शूट कर रहे थे हैरी मेट सेजल, ऐसी ऐसी जगहों में जहाँ मैं कभी गया नहीं पहले, बूडापेस्ट में, सड़कों पर सारे इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं, ऐसा लगता है हर देश जो है हमारा ही देश है. जेन्युइनली आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इंडियंस हैव स्प्रेड सो फार एंड वाइड. तो इतना प्यार मिलता है, सो यू स्टार्ट फीलिंग कि यार दिस मस्ट बी स्पेशल, एंड इफ इट इज़ स्पेशल यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वर्थ वाइल फॉर एवरीवन एल्स हु थिंक्स यू आर स्पेशल. सो दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट. खाने की बात की आपने, ईद के मौके पर आपको ऐसी कौन सी खास डिश है जो बहुत पसंद है? मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं खाते पीते घर का हूँ. मुझे खाने का इतना शौक नहीं, बट जो भी बना होगा मैं खा लूँगा, और बहुत सारे दोस्त लोग हैं अभी भेजेंगे चीज़ें. आई एम श्योर सलमान के घर से भी आएगी बिरयानी, मेरे दो चार दोस्त हैं, तो वो सब मिक्स करके मैं सब खा लूँगा. खान साहब, अब तक की सबसे यादगार ईदी आपके लिए क्या थी? आई मीन जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव पेरेंट्स एनी मोर, आई थिंक मस्ट बी द लास्ट फ्यू मेमरीज ऑफ स्पेंडिंग ईद विद देम, यू नो, टू गो एंड से योर प्रेयर्स एंड देन कम बैक होम, सिट विद द फैमिली. फिर उनके दोस्त थे कुछ माँ बाप के, तो उनके घर में जाना, हालांकि बचपन में बड़ा बोरिंग लगता था माँ बाप के दोस्तों के घर जाना, बट नाउ आई थिंक ऑफ इट एंड आई रिमेंबर, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट बिफोर कमिंग हियर. तो अच्छा लगता था, घर में जाओ, बहुत सिंपल होता था. इतना सॉरी मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ईद होगी. बड़ी सिंपल सी होती थी, 4-5 लोग बैठे हैं, अपना बातचीत की, खाना खाया एंड घर आ गए. सो आई थिंक दोज आर वेरी स्पेशल. तू तो रह गया ईद मुबारक आपको भी. लाइक टू थैंक यू फर्स्टली फॉर लाइक स्टेइंग अप फॉर क्वाइट सम टाइम.
पांच मिनट अच्छे विजुअल्स बन गए अब 25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ जैसे मतलब आई सी लाइक लॉट्स ऑफ एवरीवन कम अप ड्रेस्ड अप, लुक नाइस, सो इट्स अ गुड फीलिंग कमिंग हियर। पूजा अच्छी लग रही है, शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लग रही। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सबके सब ऐसा रूल बनाते हैं, और काम करने की जरूरत नहीं है, पांच मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। 2018 में विद टाइम डू यू थिंक यू हैव बिकम स्पिरिचुअल एंड फिलोसोफिकल विद टाइम, दार्शनिक और आध्यात्मिक हो गए की तरफ? नहीं यार, आई थिंक व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, आई हैव थ्री ऑफ देम, आई थिंक यू स्टार्ट बिकमिंग जेंटलर। और फिर जो पुरानी बातें हैं जो बचपन में शायद लगती थी कि ठीक ठाक हैं, ऐसे इतना हम उसको जो फलसफे होते थे, अच्छी बातें होती थी, उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे। बट एज यू ग्रो ओल्डर आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स। और बींग एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, कई बारी मैं वो चीज़ें अपनी फिल्मों में भी लेकर आता, जो कहानियाँ सुनी हुई हैं या मोमेंट्स सुनी हुई हैं। आई विल नॉट बी एबल टू से कि मैं अब एज के साथ फिलोसॉफिकल हो गया। मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैं 15-20 साल से ही बोर कर रहा हूँ अपनी फिलोसफी से, सो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया मैं। बट या आई डू थिंक गुड थिंग्स, आई डोंट थिंक बैड थाट्स, एंड आई लाइक टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड दूसरे लोग कैसी सोचते हैं। सो ऐसा नहीं, एज के साथ नहीं, आई थिंक अपनी अपनी एक कुव्वत होती है, अपना एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, आदमी कैसा बनता है। I write sometimes. जब मैं अकेला आउटडोर पे होता हूँ तो लिखता हूँ, अमूमन घर में तो वक्त ही नहीं मिलता, बट इफ आई एम आउटडोर, पैकअप हो गया, आई एम सिटिंग इन द रूम, देन आई राइट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स। हाँ वो एक बुक है यार, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मतलब ऐसे एक्चुअली वो यही थे, 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में के बारे में थे, तो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो मैं पहले भी बताया भाई ये बात, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मेरा जब बेटे का जन्म हो आर्यन का तो किताब ख़त्म हो, फिर बेटी का हो गया तो मुझे लगा गलत है बेटी के जन्म पे ख़त्म हो, अब अब्राहम का हो गया और वो काफ़ी वक्फे बाद हुआ है, 10-11 साल बाद, तो अब है कि वहाँ तक लेके आनी है मुझे कहानी। सो आई थिंक वो सब अच्छा हैप्पी होगा, बट इट इज़ जस्ट मोमेंट्स आई हैव स्पेंट विद ऑल ऑफ यू एंड द फिल्म इंडस्ट्री एंड वर्किंग इन। इतनी टेक्निकल किताब नहीं है, इट्स अ ह्यूमरस और फिलोसॉफिकल इमोशनल बुक। पहले मैंने लिखा था 20 ईयर्स ऑफ अ डेकेड, तब ऐसा लिखा था कि 10 साल में ऐसा लगता है 20 साल की जिंदगी जी ली, अब तो 25 हो गए, तो आई थिंक वो टाइटल थोड़ा गलत हो गया हुआ। शाहरुख खान ने कर रहा है फिल्म के बारे में तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि वो उनका वेदर ही लाइक्स टू टॉक अबाउट इट, बट जैसे सबको मालूम है फिल्म इज अबाउट वर्टिकली चैलेंज पर्सन एज दे से स्पेशल, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म देश में बनाना, यू नो टू जेन्युइनली, मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी, टू मेक इन इंडिया दिस टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट ऑसम। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी टीम ऐसा कर रही है, हमने जैसे हॉबिट और बहुत सारी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हम बहुत लोगों से मिले, और जो हम कर रहे हैं काफ़ी लोगों ने कहा इस समय के अंदर द अमाउंट ऑफ टाइम वील स्पेंड पॉसिबल नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग है। हमने जैसे आपने कहा 12-15 दिन की शूटिंग कर ली और हमारे पास 11-12 मिनट फिल्म के एडिट हैं, अभी मुझे आनंद ने कहा है मैं थोड़ा और एडिट करके दिखाऊंगा, बट वी आर रियली रियली वेटिंग कि वो जैसे ही वो वैसा हो जाए, बट उसमें बहुत वक्त लगता है, तकरीबन 30 सेकेंड के लिए 2 महीने लगते हैं उसको फुली देखने में। सो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म दिसंबर में ख़त्म हो जाए, तो आज से शुरू हुई है जैसे तो 15-16 महीने लगेंगे पूरी फिल्म को ख़त्म करने में। तो एज इज़ बीइंग डन, वो VFX में जा रही है, हमने नया ऑफिस बनाया गोरेगांव में स्पेसिफिकली फॉर द फिल्म एंड अदरवाइज, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए एडिट पोस्ट DI सब करना। सो बहुत एक्साइटिंग है, मतलब आई एम रियली रियली डाइंग टू सी। हाँ अच्छा, ये रूल बनाते हैं, सुमित आप डिसाइड करना ड्रेस कोड लड़कियों का, कलर और लड़कों का, और हम सब वैसे पहन के आएंगे। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं भी जेन्युइनली बोल रहा हूँ,
मैं एक महीना पहले कॉन्टैक्ट करके तो सबको आप आगाह कर देना कौन से कपड़े पहनने, कुर्ता पजामा है, सलवार है कि सब सलवार कमीज पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, सूट पहनेंगे, टी शर्ट शर्ट पहनेंगे, जो आपका दिल करे। कलर कोड आप डिसाइड कर लेना कि लड़कियां लाल में होंगी या पीले में होंगी, सफ़ेद में होंगी, लड़के काले में होंगे, लाइट ब्लू में होंगे, सो एटलीस्ट सब सेम के सेम लगे। फिर से अभी तो तारीफ किया, पाँच मिनट क्या मैं यहाँ पे अलग बोल। थैंक यू एवरीबॉडी एंड ईद मुबारक। थैंक यू सर। सब बैक जाओ, सब बैक जाओ, बैक जाओ, दो मिनट बैक जाओ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ईद मुबारक। थैंक यू सबका, हो गया पूरा, हो गया सबका। थैंक यू सोनी, थैंक यू खान साहब, थैंक यू। लेट क्यों लेट है? अरे प्लीज, अभी करना।